गुड मॉर्निंग। आज हम बीएससी पार्ट थर्ड ईयर के थर्ड पेपर को स्टार्ट कर रहे हैं, डायनामिक्स के पेपर को। तो बीएससी पार्ट थर्ड ईयर के पहले पेपर देख लेते हैं, कौन कौन से पेपर है। पेपर है पहला पेपर, दूसरा पेपर और तीसरा पेपर, फर्स्ट सेकंड और थर्ड पेपर। पहला पेपर है एब्स्ट्रैक्ट एलजेब्रा, एब्स्ट्रैक्ट एलजेब्रा, अमूर्त बीजगणित। दूसरा पेपर कॉम्प्लेक्स एनालिसिस यानी सम्मिश्र विश्लेषण। और थर्ड पेपर स्टैटिक्स एंड डायनामिक्स यानी स्थिति विज्ञान और गति विज्ञान। पहला पेपर एब्स्ट्रैक्ट एलजेब्रा, अमूर्त बीजगणित। दूसरा पेपर कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, सम्मिश्र विश्लेषण। तीसरा पेपर स्टैटिक्स और डायनेमिक्स, स्थिति विज्ञान और गति विज्ञान। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का हम वीडियो लाइव आते हैं सुबह 9 बजे से 10 बजे तक, और डायनेमिक्स की स्टार्ट कर रहे हैं और इसका टाइम रहेगा 11 बजे से 12 बजे तक। डायनेमिक्स, स्टैटिक्स और डायनेमिक्स में से पहले हम डायनेमिक्स की बुक्स को स्टार्ट करेंगे। एब्स्ट्रैक्ट एलजेब्रा की केवल एक ही बुक है और कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की भी केवल एक ही बुक है। यहाँ स्टैटिक्स की एक अलग बुक है और डायनेमिक्स की एक अलग बुक है। इस डायनेमिक्स में तीन क्वेश्चन आएंगे और स्टैटिक्स में दो क्वेश्चन आएंगे, और एग्ज़ाम में पांच में से इस बार करने कितने, तीन क्वेश्चन। अगर आप डायनेमिक्स भी पढ़ते हो पूरी तो आप 100% अंक ला सकते हैं। ये 40 नंबर का पेपर और ये 40 नंबर का पेपर, तो टोटल 120 नंबर का पेपर और 30 नंबर का प्रैक्टिकल, तो हो गए टोटल 150 मार्क्स। अब स्टार्ट कर रहे हैं डायनेमिक्स थर्ड पेपर, स्टार्ट करते हैं फिर। डायनेमिक्स पहले देख लेते हैं डायनेमिक्स क्या है। वैसे ये थर्ड पेपर, मैथ का थर्ड पेपर फिजिक्स से रिलेटेड है, फिजिक्स भौतिक विज्ञान की एक शाखा है, मैकेनिक्स यानी यांत्रिकी। भौतिक विज्ञान की एक शाखा है मैकेनिक्स, और मैकेनिक्स के फिर दो पार्ट हैं, एक पार्ट है स्टैटिक्स यानी स्थिति विज्ञान, में हम किसी भी वस्तु का स्थिति के बारे में अध्ययन करते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं स्थिति विज्ञान। और दूसरा पार्ट है मैकेनिक्स का डायनामिक्स को बोलते हैं गति विज्ञान, इसमें हम गति के बारे में अध्ययन करते हैं। और हम स्टार्ट क्या करने वाले हैं, पहले डायनामिक्स के भी दो पार्ट हैं, काइनेमेटिक्स यानी शुद्ध बल गति की
शुद्ध बल गति की और दूसरा पार्ट है डायनेमिक्स का काइनेटिक्स, इसको बोलते हैं बल गति की। इसमें शुद्ध बल गति की में बल का प्रयोग न्यूनतम मतलब बल का प्रयोग होता ही नहीं है, और इसमें बल का प्रयोग होता है बल गति की में। तो हम क्या देख रहे हैं आज बीएससी पार्ट थर्ड ईयर का थर्ड पेपर देख रहे हैं, जो क्या है फिजिक्स का पार्ट है। फिजिक्स में क्या है, एक मैकेनिक्स यांत्रिकी एक शाखा है फिजिक्स की, और मैकेनिक्स के कितने पार्ट हैं, दो पार्ट है, एक स्टैटिक्स और एक डायनेमिक्स। स्टैटिक्स यानी स्थिति विज्ञान और डायनेमिक्स यानी गति विज्ञान। गति विज्ञान के भी फिर दो पार्ट है, काइनेमेटिक्स और काइनेटिक्स। काइनेमेटिक्स का मतलब शुद्ध बल गति की और काइनेटिक्स का मतलब बल गति की। शुद्ध बल गति की में बल का प्रयोग नहीं होता है और बल गति की में बल का प्रयोग होता है, बल का प्रयोग होता है। तो फिर आज बेसिक थोड़ा बेसिक और स्टार्ट करते हैं हम। पहले टॉपिक देख रहे हैं हम दूरी क्या है और स्टार्ट क्या किया है डायनेमिक्स। पहले हम देख रहे हैं दूरी क्या है और विस्थापन क्या है। दूरी और विस्थापन में अंतर क्या है, इसके लिए एक एग्जांपल से समझेंगे हम कि ये प्रारंभिक बिंदु और ये अंतिम बिंदु। दो आदमी में से एक आदमी चलता है इस रास्ते से और एक आदमी जाता है इस रास्ते से, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक जाना है। तो दो रास्ते हैं, एक आदमी जाता है इस रास्ते से और दूसरा आदमी जाता है सीधे रास्ते से। तो जो सीधा रास्ता है उसको बोलते हैं विस्थापन, मतलब जो अंतिम बिंदु तथा प्रारंभिक बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी को बोलते हैं विस्थापन, तथा दूरी के लिए तय किया गया पाथ क्या कहलाता है, दूरी कहलाता है। इसलिए ये क्या है, दूरी। और विस्थापन को न्यूनतम दूरी भी बोलते हैं, विस्थापन दूरी का ही एक पार्ट है। इसलिए दूरी का मतलब तय किया गया पथ क्या कहलाती है, दूरी। दूरी को डी से भी डिनोट करते हैं और दूरी को कभी कभी एक्स से भी डिनोट करते हैं, लेकिन एक्स से डिनोट विस्थापन को करते हैं, इसलिए इसको डी से डिनोट करते हैं। फिर विस्थापन को एक्स से डिनोट करते हैं, और विस्थापन की डेफिनेशन मतलब अंतिम बिंदु तथा प्रारंभिक बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी। मतलब हुआ दूरी कम हो सकती है, दूरी बराबर हो सकती है विस्थापन के, या विस्थापन से दूरी ज़्यादा हो सकती है, मतलब दूरी इक्वल ग्रेटर देन विस्थापन। मतलब विस्थापन के इक्वल भी हो सकती है या दूरी ज़्यादा हो सकती है। इसका दूसरा एग्जांपल है कि मान लो एक बिंदु यहाँ कोई व्यक्ति चला और घूम के फिर यहीं आ गया, तो उसका विस्थापन क्या हुआ, जीरो, क्योंकि प्रारंभिक बिंदु अंतिम बिंदु तथा प्रारंभिक बिंदु के बीच की दूरी क्या हुई, जीरो। तो इसका विस्थापन तो है जीरो। और अगर बात करें दूरी की, तो यहाँ से चला
और यहाँ से चलने के बाद यहाँ तक तय की गई दूरी क्या होती है, वो होती है 2πr, वृत्त की परिधि 2πr। तो वो तो क्या है दूरी, और जो विस्थापन होगा यहाँ, विस्थापन क्या है जीरो, तो विस्थापन कम है और दूरी क्या है ज़्यादा है। ठीक है, आगे हम देखेंगे चाल। चाल क्या है और दूरी क्या है, दूरी नहीं चाल और वेग, चाल और वेग, वेग को वी से डिनोट करते हैं। पहले तो चाल क्या है, चाल इक्वल टू होता है दूरी अपॉन समय, दूरी अपॉन समय। दूरी अपॉन समय का मतलब परिभाषा बनाने के लिए समय को नीचे मतलब एक बना दो, मतलब इकाई समय में तय की गई दूरी चाल कहलाती है। मतलब इकाई समय में जो जो दूरी तय की जाती है उस दूरी को बोलते हैं चाल। और यहाँ वेग को, वेग की परिभाषा है वेग इक्वल टू विस्थापन, विस्थापन अपॉन समय, मतलब इकाई समय में नीचे वाले को एक बना दो परिभाषा बनाने के लिए, मतलब इकाई समय में तय किया गया विस्थापन क्या कहलाता है, वेग कहलाता है। और विस्थापन की अगर इकाई की बात करें, मात्रक की बात करें, तो मतलब विस्थापन क्या है, विस्थापन एक दूरी का ही रूप है, इसलिए विस्थापन का मात्रक मीटर, मीटर यहाँ दूरी का मात्रक मीटर है ही। तो फिर चाल का मात्रक, दूरी का मात्रक क्या होता है मीटर, और समय का मात्रक सेकंड। तो चाल का मात्रक, चाल का मात्रक मीटर पर सेकंड और दूरी का मात्रक मीटर है ही। तो यहाँ वेग का मात्रक, विस्थापन का मात्रक मीटर और समय का मात्रक सेकंड। तो वेग इक्वल टू मीटर पर सेकंड, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं वी इक्वल टू वेग, विस्थापन में परिवर्तन की दर और यहाँ दूरी में परिवर्तन की दर, ये समय वन अपॉन समय क्या दर्शाता है, परिवर्तन की दर। तो इसको हम लिख सकते हैं dx अपॉन dt, डी अपॉन डी टी क्या है परिवर्तन की दर, डी अपॉन डी टी को बोलते हैं परिवर्तन की दर। परिवर्तन की दर किस में, एक्स में, एक्स क्या है विस्थापन, इसलिए विस्थापन में परिवर्तन की दर वेग कहलाता है। ठीक है, फिर आगे एक और है वेग, और वेग क्या आ गया है त्वरण, त्वरण क्या है, त्वरण को बोलते हैं एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या है, वेग में परिवर्तन की दर त्वरण कहलाता है, मतलब a इक्वल टू त्वरण इक्वल टू, त्वरण इक्वल टू वेग में परिवर्तन की दर, मतलब वेग में परिवर्तन, परिवर्तन की दर बटे समय, मतलब इकाई समय में जो वेग में परिवर्तन होता है उसी को बोलते हैं त्वरण। मतलब a इक्वल टू वेग में परिवर्तन, वेग क्या है v, मतलब dv अपॉन dt, d अपॉन dt का मतलब परिवर्तन, परिवर्तन किस में, v में, वेग में। अतः त्वरण क्या हुआ, वेग में परिवर्तन, वेग में परिवर्तन क्या है त्वरण। और यह इसको लिख सकते हैं v की जगह क्या है dx अपॉन dt, तो v की जगह इसको लिख सकते हैं d अपॉन dt, पहले से है ही, और v की जगह dx अपॉन dt, तो dx अपॉन dt। तो a इक्वल टू यहाँ से d स्क्वायर x अपॉन dt स्क्वायर, a विस्थापन के रूप में। और फिर आगे इसका मात्रक,
इसका मात्रक, वेग का मात्रक क्या है मीटर पर सेकंड, तो वेग में परिवर्तन है तो मतलब ऊपर वेग और नीचे समय, तो ए इक्वल टू वेग में परिवर्तन मतलब वेग का मात्रक क्या था मीटर पर सेकंड बटे समय, समय का मात्रक सेकंड, अतः ए इक्वल टू मीटर पर सेकंड स्क्वायर, अतः ये क्या है त्वरण का मात्रक। त्वरण के बाद में एक है मंदन, ये क्या है बेसिक है पहले का इलेवेंथ क्लास का। मंदन क्या है, जो ऋणात्मक त्वरण है मतलब अगर त्वरण वेग में परिवर्तन, वेग में परिवर्तन ओनली वेग में परिवर्तन, त्वरण क्या था वेग में परिवर्तन होना चाहिए समय के सापेक्ष, तो क्या होगा dv अपॉन dt होगा। लेकिन मंदन में जो a है अगर माइनस ए हो तो उसी को क्या बोलते हैं मंदन, मतलब माइनस ए अगर माइनस डी वी अपॉन डी टी हो, ए अगर माइनस डी वी अपॉन डी टी हो उसको बोलते हैं मंदन, मतलब वेग में परिवर्तन की, वेग में जो परिवर्तन है वो अगर ऋणात्मक हो तो उसको क्या बोलते हैं मंदन। तो इसका भी मात्रक क्या है मतलब मंदन, और मंदन का मात्रक क्या है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जो त्वरण का मात्रक है वही मंदन का मात्रक है, ठीक है। और फिर ये तो इंट्रो क्लास थी, फिर आगे पढ़ेंगे कल, ठीक है। टाटा बाय बाय, सी यू।